एक माताजी ने पूछा, भक्ति मार्ग में राम से भी राम नाम की महिमा ज्यादा क्यों है? महिमा कब होती है? जब कोई महिमा करने योग्य काम होता है तो महिमा होती है। तो काम बड़ा या नाम बड़ा है? तो काम बड़ा हुआ, काम का नंबर पहले है या नाम का नंबर पहले है? काम का नंबर पहले है, नाम का बाद में। लेकिन ज्ञान मार्ग में काम देखा जाता है, ऐसे ही महिमा और बढ़ाई नहीं देखी जाती है। और भक्ति मार्ग में महिमा ही महिमा चलती है। काम किसने किया ये जानने की दरकार नहीं है। तो जानने को कहते हैं ज्ञान, समझने को कहा जाता है ज्ञान, और बेसमझी को कहा जाता है अज्ञान। भक्ति मार्ग में बेसमझी से गाते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, इसी को कहा जाता है भक्ति, अज्ञान। सो अज्ञान चलता है। और कार बन रही है, है? यह बहस की दुनिया में भी माने इंसान की जो भी है अपने आता है उसका वैल्यू कैसे तोड़े जाता है, उसका वैल्यू मानो उसका ऊंचा ऊंचाई कैसा मतलब जो जो ज्यादा कार अच्छी होगी, ज्यादा वैल्यू की होगी, तो वो वैल्यूबल कार बैठने वाले की ज्यादा सुरक्षा करेगी या नहीं करेगी? तो ऐसे ही यहां बेहद की कारें भी हैं। दुनिया में चारों ओर तांडव विनाश होता रहेगा, लेकिन वो कारें उन आत्माओं की सुरक्षा करती रहेंगी जो उन कारों में बैठे हुए होंगे, औरों की सुरक्षा नहीं होगी, लेकिन उनकी सुरक्षा होगी। क्योंकि उनकी बहुत वैल्यू है, बहुत काम लेना है। हाँ, अरे वो कार जो है ड्राइवर की भी सुरक्षा करती है, खास तो ड्राइवर की सुरक्षा करती है, बाकी तो उसमें बैठी हुई प्रजा है, राज्याधिकारी है। और चलाने वाले ड्राइवर की अच्छा गाड़ी है, चलाने वाले ड्राइवर की ऐसे ऐसे यहाँ बेहद में नहीं होता है, ये हद में होता है। हाँ, वो ड्राइवर ही तैयार कर देता है, है। हाँ, युवा बाबा कहते हैं और कहते हैं बाप कहते हैं, दोनों में अंतर क्या है? बाप कहते हैं मतलब बिना जेल के कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं और बाप कहते हैं, तो ये बाप है सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल जो कहते हैं
वो सिर्फ ब्रह्मा द्वारा ही कहते हैं। किसके द्वारा कहते हैं? ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। और शिव बाबा कहते हैं, माना साकार भी है और निराकार भी है, कोई अलग नहीं कर सकता कि ये कौन कहते हैं। ब्रह्मा के द्वारा जब कहते हैं तो अलगाव किया जाता है कि ये कौन कहते हैं। जैसे मुरली ने बोला ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, फिर लक्ष्मी, फिर उसी मुरली में दूसरी जगह बोला लक्ष्मी नारायण तो समझदार है। तो बताओ जो बुद्धू बोला वो कौन सी आत्मा ने बोला? कौन सी आत्मा की बुद्धि में है कि सतयुग के लक्ष्मी नारायण, और कौन सी आत्मा की बुद्धि में है कि लक्ष्मी नारायण समझदार हैं, तब तो विश्व के मालिक हैं। तो विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण की तरफ कौन सी आत्मा बोलती है, इशारा देती है? सुप्रीम सोल देता है। ब्रह्मा की बुद्धि में तो संगम युग में कोई विश्व के मालिक होंगे लक्ष्मी नारायण, ये बात उनकी बुद्धि में है ही नहीं। उनकी बुद्धि में ये आता ही नहीं है कि हमें डायरेक्ट इसी जन्म में नर से नारायण, उनकी बुद्धि में सदैव यही रहता है हम नर से क्या बनेंगे, प्रिंस बनेंगे, फिर बड़े होकर नारायण बनेंगे। तो ब्रह्मा के द्वारा जो कुछ भी बोला गया वो किसने बोला है? शिव बाप ने बोला। और जब कहें कि शिव बाबा बोलते हैं तो साकार भी है और निराकार भी, दोनों का मेल है। शिव बाबा जिस शिव बाबा की तरफ इशारा किया कि स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी कहा जाता है, परंतु ब्रह्मा बाबा उस शरीर के द्वारा स्वर्ग की स्थापना नहीं करते हैं। और विवेक, विवेक माने ज्ञान, बुद्धि। और रूहानी रास विलास, जो जिस्मानी रास विलास है वो तो ये नौटंकी वगैरह करते रहते हैं, ड्रामाबाजी करते रहते हैं, वो जिस्मानी रास विलास हुआ। जो दिखाते हैं ये भक्ति मार्ग में डांस वांस करते रहते हैं स्थूल, रूहानी रास विलास ज्ञान की बातों का होता है। और हाँ, तो बाप ही समझो, मुरली की बात याद दिलाते हैं। हाँ शिव बाबा भले कहते हैं, लेकिन शिव बाबा मुरली की बात याद दिला सकते हैं कि नहीं? मुरली है गीता ज्ञान, और शिव बाबा जो कुछ बोलते हैं वो ज्ञानामृत है, ये अंतर है। ब्रह्मा के मुख से जो बोला गया वो गीता ज्ञान अमृत नहीं है, मंथन करके नहीं बोला गया, इसलिए सार की बातें रह जाती हैं। सार और विस्तार सब इकट्ठा है। और ब्रह्मा द्वारा इन लक्ष्मी नारायण को बता दिया,
जो भी पॉइंट है उसको एक्यूरेट लिख करके लाओ। ऐसे ऐसे जब तुम बोलते हो तो बहुत अंतर पड़ जाता है। तुम कुछ भी कहो, ऐसे थोड़े मान लेंगे ना, उसमें अंतर पड़ता है, एक एक शब्द में अंतर पड़ जाता है। बाबा मुरली में बोलते हैं राधा अर्थात छोटी मां, यानी पार्वती जिसके लिए गायन है, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरौं शंभु तो नतुरौं कुंवारी। फिर राधा को शास्त्रों में शादीशुदा क्यों दिखाया है? अच्छा, राधा की बात भी उठा लो। द्रौपदी की भी बात उठा लो। तुम सब द्रौपदियां हो, तो जब कहा तुम सब द्रौपदियां हो तो सब द्रौपदियां शादीशुदा हैं या कुंवारी हैं? अगर द्रौपदियां हैं तो शास्त्रों में द्रौपदी को शादीशुदा बताया या कुंवारी बताया है? शादीशुदा। तो जब बोला तुम सब द्रौपदियां हो तो उन द्रौपदियों में राधा भी आती है या नहीं आती है, या उसकी पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं? बोलो, राधा भी है, उसको भी पढ़ाई पढ़ाते हैं। द्रौपदी के लिए गायन है पांच पति, तो पति ढोल मजीरे वाले पति होते हैं, वो ही पति कहे जाते हैं, या शास्त्रों के शब्दों के अर्थ अनुसार कहा जाता है? कैसे कहा जाता है पति? पति माने क्या? पति माने रक्षक। जैसे ब्रह्मा कुमारियों को कोई सेंटर में भेजा जाता है तो सेंटर में जो जो परवरिश करते हैं वो उनकी रक्षक हो गए। ऐसे ही राधा भी जहां जहां जिन सेंटरों में रहती है तो रक्षा के रूप में कार्य करने वाले उनको कह सकते हैं शादीशुदा, क्योंकि साथ निभाने वाले हैं। वो शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो इस दुनिया की ढोल मजीरे वाली बातें हैं या संगमयुग की बातें हैं? कहां की बातें हैं? संगमयुग की बातें हैं। संगमयुग में तो शादी बर्बादी बता दिया, वो शादी की तो बात ही नहीं, यहां तो बेहद की बातें हैं। इसलिए शास्त्रों में बोल दिया है कि राधा तो शादीशुदा थी, माने उसकी परवरिश करने वाला कोई और भी परिवार था। काशी नगरी बाप को बहुत प्यारी है, पर कैलाश पर्वत पर भी तो तपस्या करते हुए दिखाया गया है। तो बाबा वो कैलाश पर्वत तो सबसे ज्यादा प्रिय होना चाहिए। है
क्या हुआ? क्या बोला? फिर सुन लो, काशी नगरी बाप को बहुत प्यारी है, परंतु कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हुए उनको दिखाया है। तो बाबा सबसे ज्यादा प्रिय कैलाश पर्वत होना चाहिए, काशी नगरी क्यों प्यारी है? बताओ। तपस्या की जाती है कोई प्राप्ति के लिए या तपस्या ही प्राप्ति है? प्राप्ति के लिए तपस्या की जाती है। तपस्या कहो, पुरुषार्थ कहो, वो कैलाश पर्वत ऊंची स्टेज की बात है। उन्होंने जो तपस्या तपी है वो ऊंची स्टेज में रहकर तपस्या तपी है, बाकी वो तपस्या का प्रारब्ध नहीं है। और काशी नगरी पवित्र नगरी है, पवित्रता की प्राप्ति के लिए तपस्या करते हैं, आत्म की स्थिति में रहना ही तपस्या है। वो आत्म की स्थिति की तपस्या जरूर कोई प्राप्ति करने के लिए है। क्या प्राप्ति? आत्मा पवित्र बन जाए। तो काशी है पवित्र नगरी। कैसी पवित्र नगरी? त्रिदेवियां भी उतनी पवित्र नहीं है जितनी काशी नगरी पवित्र है। ऐसी पवित्रता की स्टेज, इसलिए काशी नगरी ज्यादा प्रिय है। पवित्रता की प्राप्ति के लिए तपस्या की जाती है। तपस्या ध्येय नहीं है, तपस्या कोई प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति है आनंद, इसलिए उसका नाम ही रखा गया आनंद कानन काशी। आनंद देने वाला कानन काशी। कोई सदा तपस्या में रहना चाहता है, जन्म जन्मांतर तपस्या ही करते रहना चाहता है, या जन्म जन्मांतर आनंद में रहना चाहता है? आनंद के सब प्यासे हैं, इसलिए काशी नगरी प्रिय है, कैलाश उतना प्रिय नहीं है। यज्ञ के आदि में बाबा ने कन्या माताओं की परीक्षा के लिए बच्चों को कहा कि तुम लोग घर जाओ, घर जाकर के आत्माओं को फूल बना कर ले आओ। तो जैसे आदि में हुआ वैसे अंत में भी होगा क्या? बाबा
एनएस में जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं उन लोगों को भी अंत में घर भेजेंगे क्या? हमको तो नहीं भेजेंगे है? अरे भेजेंगे तो सबको भेजेंगे या कोई को भेजेंगे कोई को नहीं भेजेंगे? डायरेक्शन तो सबको मिलेगा, जाओ। जो नाफरमान होंगे वो इनकार कर देंगे, नाफरमानी कर देंगे, और जिन्होंने ताकत भरी होगी वो तो कहेंगे हमको कहीं भी डाल दो, कहीं भी पहुंचा दो, जहां भेजेंगे वहां वहीं जाके सेवा करेंगे। क्या लिख दिया है गड़बड़? बाबा विष्णु पुराण में लक्ष्मी कहती है देवताओं में क्या है? असुर इंद्र है। माना इंद्र देवता नहीं है कि देवताओं का मुखिया इंद्र है? और असुरों में प्रह्लाद मुख्य है। तो इंद्र बाबा का पार्ट है, लक्ष्मी छोटी मम्मी का पार्ट है। ये कैसे कह दिया बिना किसी प्रूफ प्रमाण के? कोई प्रूफ और प्रमाण है इस बात का? है कि लक्ष्मी छोटी मां का पार्ट है, और इंद्र बाबा का पार्ट है? इसको सुधारो फिर लाओ। बाबा उसका सामान है। अरे बात ही क्लियर नहीं आई है। इंद्र देवताओं में मुखिया है या देवताओं के बीच में असुर है? मुखिया है। और प्रह्लाद असुरों का मुखिया है, असुरों के बीच में प्रह्लाद जैसे देवता है, असुरों के बीच में भी देवता है। बाबा कहते हैं कि अष्टदेव राजा महाराजा बनते हैं और ऋषि मुनि राजा महाराजा नहीं बनते। ये कैसे? जो ऋषि मुनि कहे गए हैं शास्त्रों में वो राजा महाराजा नहीं बनते? अरे सप्त ऋषि हैं, उनके मंदिर नहीं बनते हैं, सप्त ऋषियों की पूजा नहीं होती है, उनकी मूर्तियां नहीं बनती हैं, परंतु वो सतयुग में सात नारायण बनेंगे। महाराजा बनेंगे या नहीं बनेंगे? महाराजा तो बनेंगे। ये किस आधार पे कह दिया कि जो ऋषि मुनि है वो राजा महाराजा नहीं बनते?
वो भी राजा महाराजाएं बनते हैं, परंतु द्वापर कलयुग में वो राजा महाराजा नहीं बनते। क्यों? क्योंकि दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए भारत के राजा महाराजा नहीं बनते हैं। ऋषि मुनि राज्य दरबार में जाते हैं तो राजा महाराजाएं भी उनको नमन करते हैं। वो ही ऋषि मुनि थोड़े ही राजा महाराजाएं के दरबार में जाते हैं। ऐसे ढेर के ढेर ऋषि मुनि बने फिरते हैं दुनिया में जो राजाओं महाराजाओं के दरबार में जाते हैं। उन सप्त ऋषियों की बात थोड़े ही है, वो सप्त ऋषि कम कलाओं वाले होते हैं, कमजोर पुरुषार्थ करने वाले होते हैं, इसलिए द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं। पांच तत्व को किसने बनाया और कैसे बनाया? भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आत्मा को किसी ने बनाया? परमात्मा को किसी ने बनाया? ऐसे ही पांच तत्व भी अनादि हैं, इनका रूप बदलता है, बाकी कभी बनाए नहीं जाते, ये कभी मिटते नहीं हैं, सिर्फ रूप बदलता जाता है। हर 5-4 वर्ष के बाद फिर उनका वही रूप हो जाता है। अब इतने लंबे लंबे प्रश्न होंगे तो कैसे जवाब मिलेगा? महाभारत में बताया है अंबा तपस्या करती है, तो तपस्या करते करते आधा शरीर नदी बन जाता है। और आधा शरीर मत्स्य नरेश की कन्या के रूप में जन्म लेता है। इसका क्या अर्थ है? अंबा का पार्ट किसका है? तीन देवियां हैं, अंबा, हम बालिका। किसकी बालिका? अंबा की बालिका। वो कौन है? अरे, अंबा की बालिका कौन है? अच्छा, बालक कौन है? अंबा की बालिका है ओम राधे, वो है अंबा माने जगदम्बा। अंबे, अंबालिका और अंबिका। अंबिका गौरी अर्थात पार्वती का नाम है, तो गाया जाता है अंबा अंबालिका गौरी। शास्त्रों में नाम दिया है अंबिका।
किसका नाम? पार्वती का नाम, गौरी का नाम। तो जो अम्बा है वो जगदम्बा तो है, परंतु उसमें पुरुषत्व के गुण ज्यादा हैं या स्त्रीत्व के गुण ज्यादा हैं? है, कौन से गुण ज्यादा हैं? है? नहीं, जन्म जन्मांतर वो रुद्रमाला की आत्मा है या विजयमाला की आत्मा है? तो रुद्रमाला पुरुष कहेंगे या स्त्री कहेंगे? स्वभाव संस्कार से है, स्वभाव संस्कार से पुरुष है, और वैसे वैसे स्त्री है शरीर से। तो दिखाया गया कि जब तपस्या करती है तो तपस्या करते करते आधा शरीर नदी बन जाता है। कौन सी नदी प्रसिद्ध है? वो तो ओम राधे की यादगार है जो लोप हो गई। एक नदी है जिसका नाम नर के ऊपर भी है और मादा के ऊपर भी है, नर्मदा। तो आधा शरीर नदी बन जाता है और आधा शरीर नरेश की कन्या के रूप में जन्म लेती है। तो जो कन्या का रूप है वो स्त्री चोला की तरफ इशारा है या आत्मा की तरफ इशारा है? है? अरे कन्या कब कही जाती है? स्त्री चोले के हिसाब से कन्या कही जाती है, और ज्यादा प्योरिटी किसमें होती है? कन्याओं में ही ज्यादा प्योरिटी होती है। तो दिखाया गया है कि नदी बनती है तो भी गंगा की तरह पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है या अरब सागर में गिरने वाली नदी है? पश्चिमी सभ्यता की ओर बहने वाली है या पूर्वी सभ्यता की ओर बहने वाली है? है? पूर्वी सभ्यता की ओर बहने वाली नहीं है। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं मध्य भारत में, जो महाराष्ट्र में बहती हैं, वो कौन से सागर में गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिमी सभ्यता की ओर बहने वाली है। इसलिए दिखाया गया है कि वो जगदम्बा है, सारे जगत में जो स्वधर्मी हैं उनकी संख्या ज्यादा है या विधर्मी और विदेशियों की संख्या ज्यादा है जो पश्चिमी सभ्यता का बखान करते हैं, बढ़ावा देते हैं? ज्यादा संख्या दुनिया में किसकी है? है? विदेशियों की और विधर्मियों की संख्या ज्यादा। इसलिए दिखाया गया है, ये संगम युग की ही बातें हैं, गहरी तपस्या है, इसलिए कमलपुर पर आसन दिखाया जाता है।
ये छोटा पुरुषार्थ नहीं है साधारण। कीचड़ की दुनिया में रहे, ये विदेशी धर्म जो है जो व्यभिचार की ओर ले जाते हैं कन्याओं माताओं को, वो कीचड़ की दुनिया है, यह स्वर्गीय दुनिया है, कीचड़ की दुनिया है। कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी कमल फूल के समान बुद्धि रहे, बुद्धि उस दुनिया से अटैच न होने पाए, इसलिए जगदम्बा की पूजा होती है। वो ही आत्मा ब्रह्मा जो प्रवेश होकर उसमें पार्ट बजाती है, उसकी पूजा नहीं होती है। ब्रह्मा की पूजा होती है या जगदम्बा की पूजा होती है? जगदम्बा की पूजा होती है। बाबा बोले कि सूर्य भी दक्षिणायन है, किंतु दक्षिण भारत में तो सूर्य का ताप ज्यादा नहीं है, उत्तर भारत में सूर्य का ज्यादा ताप रहता है, ऐसा क्यों है? अरे 6 महीने सूर्य उत्तर दिशा की ओर कर्क रेखा के ऊपर सीधी किरणें डालता है और 6 महीने सूर्य मकर रेखा की ओर जो दक्षिण में है उसके ऊपर सीधी किरणें डालता है। मकर रेखा दक्षिण भारत के नजदीक से होकर गुजरती है और कर्क रेखा उत्तर भारत के नजदीक से होकर गुजरती है, माने एक ही वर्ष में सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। तो बाबा ने जब बोला कि सूर्य भी दक्षिणायन है, इसका अर्थ ये है कि द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक जो बेहद का ज्ञान सूर्य है शूटिंग पीरियड में, वो दक्षिणायन होता है, अर्थात विदेशियों की बुद्धि को गर्म करता है, विदेशियों की बुद्धि को ज्यादा रोशनी देता है, इसलिए विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं। परंतु वहां सूर्य की तेज ज्यादा महसूस नहीं होता है, क्यों है? दोनों तरफ समुद्र है और मकर रेखा से फिर भी कुछ न कुछ दूर है दक्षिण भारत का वो प्रदेश, नहीं तो वही मकर रेखा अफ्रीका में बहुत गर्मी देती है, इतनी गर्मी का वातावरण वहां रहता है कि सवेरे से लेकर दोपहर तक के भयंकर गर्मी, और तो भयंकर गर्मी का प्रभाव यह होता है कि दोपहर से लेकर के शाम तक तेज बरसात होती है। छह आठ घंटे के अंदर ही समुद्र का पानी खौल जाता है, रोज का रोज खौलता है, रोज की रोज भाप उठती है और रोज की रोज बरसता है। तो ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये तो सारे विश्व की बात बताई कि शूटिंग के हिसाब से अभी सूर्य कहां चमक रहा है? दक्षिणायन में, माने दक्षिण भारत की आत्माएं ज्यादा लाभ ले रही हैं, लेकिन उतनी बुद्धि गर्म नहीं हो रही है, उतना ताप नहीं मिल रहा है, उतनी रोशनी नहीं मिल रही है जितनी मिलनी चाहिए। जैसे उत्तर भारत में जब सूर्य चमकता है उत्तरायण होने पर,
तो भयंकर गर्मी महसूस होती है दिल्ली क्षेत्र में और यूपी के क्षेत्र में। अभी वो गर्मी आने वाली है, जैसे सिखों के लिए बोलते हैं कि अभी 12 नहीं बजे हैं, माने सूर्य ठीक सर के ऊपर नहीं चमक रहा है, बहुत तीखी रोशनी नहीं दे रहा है, इसलिए उनकी बुद्धि जो जाम है वो पिघली नहीं है, उनकी बुद्धि में जल्दी ये ज्ञान नहीं बैठता है। लेकिन जब तेजी से चमकेगा तो लास्ट में वो ही सिख इतना बलिदान करेंगे सनातन धर्म के लिए जितना बलिदान हिंदुओं ने नहीं किया। तो ये सूर्य की तीक्ष्णता की बात है। अभी सूर्य तीक्ष्ण रोशनी नहीं दे रहा है क्योंकि दक्षिण भारत की आत्माएं ज्यादा लाभ ले रही है दक्षिणायन होने के कारण। हिंदू कहेंगे लेकिन हिंदुओं में भी पक्के हिंदू नहीं कहे जाते हैं, बौद्धियों को और सिखों को पक्का हिंदू कहेंगे या कच्चा हिंदू कहेंगे। हाँ, हिंदुओं की उतनी परंपराएं उनमें मान्यता प्राप्त नहीं है बौद्धियों में और सिखों में जितनी हिंदुओं में है। और वो तो सातवां धर्म है, बाद में किया तो ज्यादा अच्छा या पहले किया तो ज्यादा अच्छा? बाद में बीज बोया वो ज्यादा अच्छा या पहले पहले बीज बोया वो ज्यादा अच्छा? वो ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए पिछड़ जाते हैं। बाबा हिंदुओं की तारीफ कर लेते हैं, है? बलिदान दिया है लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? बलिदान तो दिया लेकिन जो भी बलिदान दिया उसका रिजल्ट क्या हुआ? बलिदान दिया तो किसके लिए दिया है? गांधी जी ने लिया सारा बलिदान, गांधी जी के फॉलोअर्स ने लिया, वो गद्दियों पर बैठे हुए हैं। सिखों ने अगर दिया बलिदान तो अभी लास्ट में उनका सिख भी बैठा हुआ है गद्दी पर, लास्ट में बलिदान दिया तो लास्ट में बैठा हुआ है। और हाँ विजय माला निकलेगी तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी, ऐसे नहीं बोला। सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। बाप तो ज्ञान सुनाता है, है? हाँ? वो भी ज्ञान सुनाते हैं। कैसे बाबा? जैसे सुनाया जाता है सुनते हैं और सुनाते हैं। ब्राह्मणों का धर्म क्या होता है? ज्ञान सुनना और ज्ञान धारण करना और दूसरों को सुनाना, धारण करना और कराना। क्या हाँ एक बाप से सुनना है? अगर एक बाप का ज्ञान कोई सुनाता है तो बड़े प्यार से सुनना है, और एक बाप की बात में अगर दूसरे धर्म पिता की बात को मिक्स करता है
तो निरछीर विवेकी हंस बनना है। हाँ, तो सिख कहाँ सुनते हैं बाप से? सिख जो और धर्म की आत्माएं हैं, वो आपसे सुनती है या बाप से सुनती है? किससे सुनती है? वो बाप से डायरेक्ट थोड़ी सुनेंगे। अगर बाप से डायरेक्ट सुने तो आखिरी धर्म में क्यों जावे? तो पहले जन्म में आवे, पहले धर्म में आ जावेंगे। इसलिए कहा कि काशी नगरी जो है रुद्रमाला में होते हुए भी, पुरुष स्वभाव संस्कार धारण करते हुए भी पवित्रता में आगे चली जाती है। स्त्री होकर के पवित्रता में आगे जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुरुष प्रवृत्ति होते हुए भी और युद्ध स्थल में रुद्रमाला के मणकों के होने पर भी फिर आगे चले जाना पवित्रता में, ये बड़ी बात है। नहीं तो सब पुरुषों के लिए बोल दिया, पुरुष क्या है? दुर्योधन दुराशासन है। द्रौपदी पुरुष और स्त्री चोले से आती है। बाबा ने कह दिया है क्या? तुम्हें क्या पता, तुम तो अपनी तरफ लगा रहे हो। हो सकता है बाबा के सामने उस समय सब कन्याएं माता ही बैठी हुई हो जिस समय मुरली चलाई। आत्मा के संबंध से नहीं, आत्मा के संबंध से नहीं। बाबा ने कहा है, बाबा हिम्मत करके बोलते हैं, मतलब सीता और द्रौपदी ये स्त्री चोले की बात है या पुरुष चोले की बात है? तो किससे कहा बनो स्त्री चोला? तब तुमसे कहा? हाँ, और बाबा चल रहा है शनिदेव की महिमा, शनिदेव की महिमा, उसमें शंकर जी नो शनिदेव को न्याय निर्णय तक का क्वेश्चन में बिठाएगा है। शनिदेव को न्याय निर्णय तक मना न्याय निर्णय क्वेश्चन में बिठाया, न्याय निर्णय जज के रूप में बिठाया। हाँ, इसीलिए दिखाया कि जितने भी दिन होते हैं ना, रविवार से लेकर के शनिवार तक, उनमें वो पहले नंबर का दिन है या लास्ट नंबर का दिन है? जैसे द्वापर के आदि में जो निर्णय करने वाले जज होते थे और कलयुग के अंत में जो निर्णय करने वाले जज हैं, उन दोनों प्रकार के जजों में से माथा मुड़ने वाले कौन से हैं? कलयुग के हैं। ऐसे ही वो अंतिम टाइम का जज है, आदि का जज नहीं है, सतोप्रधान स्टेज का, द्वापर के आदि से और धर्मों की शुरुआत होती है। तो सात धर्म हैं उसमें, इस्लाम धर्म से लेकर के नीचे तक, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सन्यासी धर्म, मुस्लिम धर्म,
और सिख धर्म और आर्य समाज में क्या जज नहीं है? जज है कि नहीं है? अरे जज आर्य समाज में भी बैठे हुए हैं, लेकिन द्वापर के जजों में और आर्य समाज के जजों में आज के प्रजातंत्र के जमाने में जो जज हैं उनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। राम बाप के जो रूप है राज तो उनको चारों को ही उनके लिए रूप में लिया है और चेतन में उन्होंने भी तो आया सिखा है। राम बाप के रूप है राम लक्ष्मण भरत चतुर्थी को लिया और प्रेम कांता और गंगा देवी चेतन में आई है उनको लिया। गंगा नदी छिहत्तर में नहीं आई है, नहीं वो 78 में निकली है। 77 हुआ संपूर्णता वर्ष और 78 की शुरुआत में ही निकल पड़ी। जितनी भी एडवांस की कन्याएं थी उन कन्याओं के बीच में वो पहली कन्या है जिसने ज्ञान की गहराई को एडवांस को गहराई तक समझा। और पूरे परिवार के साथ समझा, अकेले भी नहीं। तो हम दोनों के ग्रुप से नहीं लेंगे है? राम बाप के ग्रुप से नहीं लेंगे। राम बाप का ग्रुप? वो कोई ग्रुप है क्या? जब चार धर्म हैं तो चारों अलग अलग हैं कि एक ग्रुप है? तो चारों ही धर्मों का अलग अलग ग्रुप बनता है। वो तो आदि में सत्व प्रधान स्टेज में थोड़े समय के लिए मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे बचपन में चार बच्चे पैदा होते हैं एक एक दो दो वर्ष के अंतर से, तो सत्व प्रधान होने के कारण मिलजुल करके रहते हैं। फिर बड़े हो जाते हैं तो एक पूर्व में जाता है एक पश्चिम में जाता है, एक उत्तर में जाता है एक दक्षिण में जाता है, ऐसे ही हो जाता है। और नर्मदा को और एक नाम जटाशंकरी कैसे आया? क्या किसकी जटा? शंकर की जटा। आजकल बहुत से सन्यासी देखे होंगे वो किसके फॉलोअर्स हैं वास्तव में, जो लंबी लंबी जटाएं रखाते हैं और जटाएं बिल्कुल उलझी हुई। कोई सुलझाना चाहे तो जल्दी सुलझा ही नहीं सकता। जब तक गंगा ना निकले अब प्रश्नों की झड़ी लगी ही रहती है, खलास ही नहीं होती। तो जटाएं उलझी हुई हैं। उलझे होने का कारण क्या है? जगत पिता और जगदम्बा का चरित्र यही उलझे होने का कारण है, इसलिए नाम जटाशंकरी है। और एक मुरली में कहा है कि जब सारी दुनिया का विनाश होगा और सारी आत्माएं जाएंगी तो लास्ट में शंकर वाली आत्मा जाएगी। और एक मुरली में कहा है कि परमधाम खाली नहीं रहेगा,
लास्ट वाली आत्मा आएगी और फर्स्ट वाली आत्मा जाएगी, तो फर्स्ट आत्मा परमधाम में कौन सी जाएगी? समझ में आया है? फिर पढ़े। परमधाम एक आत्मा भी नहीं रहना, एक आत्मा भी होना चाहिए। हाँ, परमधाम कभी खाली नहीं होता, लास्ट आएगी तो फर्स्ट जाएगी। तो यहाँ कंट्रास्ट किया है कि एक मुरली में कहा है कि जब सारी दुनिया का विनाश होगा, सारी आत्माएं जाएंगी, तो लास्ट में शंकर वाली आत्मा जाएगी कि पहले जाएगी? लास्ट में जाएगी। और एक मुरली में कहा है कि परमधाम खाली नहीं रहेगा, लास्ट आत्मा आएगी और फर्स्ट आत्मा जाएगी। नहीं नहीं नहीं, लास्ट आत्मा आएगी और फर्स्ट आत्मा जाएगी। उसका आना होगा और उसका जाना होगा, माने खाली नहीं रहेगा। तो यहां कंट्रास्ट पूछने वाला बता रहा है, जिसको ये नहीं मालूम है कि जाएगी नहीं 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 फिर आएगी नहीं, जब सारी आत्मा विनाश में जाएंगी तो सीधे परमधाम नहीं जाएंगी, सूक्ष्म वतन में सब आत्माओं को रुकना पड़ेगा। विनाश होगा तो ढेर की ढेर आत्माओं का अकाले मौत होगा या सुंदर मौत होगा? तो अकाले मौत वाली आत्माएं सूक्ष्म शरीर धारण करेंगी या नहीं करेंगी? तो वो सूक्ष्म वतन में जाएंगी, परमधाम कोई भी नहीं जाएंगी। कब तक नहीं जाएंगी? जब तक लास्ट वाली आत्मा कौन? शंकर वाली आत्मा जो फर्स्ट जाने वाली है, वो सूक्ष्म वतन से क्रॉस करते हुए फर्स्ट में पहुंचेगी, बाकी सब आत्माएं सूक्ष्म वतन से पीछे पीछे पहुंचेंगी। तो वहां से लास्ट आत्मा आएगी और ये फर्स्ट आत्मा पहुंचेगी। जो जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि जब तक शरीर के बंधन में है तो गलत फहमियां ज्यादा होती है, उतना आत्मा में शक्ति नहीं होती है। बंधन में बंधे होने के कारण वो आत्मा ऊंची स्टेज में नहीं उड़ती है, अज्ञान ज्यादा होता है, और सूक्ष्म वतनवासी आत्माओं में उतना अज्ञान नहीं रहता है, वो तीव्र गति से ज्ञान को पकड़ती है। और ठीक है ठीक है, क्रोधी लोभी मोही को पतित नहीं कहेंगे, कहा जाता है। किस आधार से पतित कहा गया? मन बुद्धि के आधार पर पतित कहा गया, क्योंकि बाबा अभी अभी तो बताया है। अरे भाई, जब कोई उपन्यास ज्यादा पढ़ेगा, गंदे गंदे उपन्यास, और फिल्म ज्यादा देखेगा दुनिया भी, तो मन में काम विकार के संकल्प ज्यादा चलेंगे कम चलेंगे? बोलो बाबा, यहाँ पतित। अरे हमारी बात बताओ पहले, हमारी बात जो पूछी गई सो बताओ। तो वो तो बुद्धि की
तो बुद्धि की बातें तो बुद्धि के आधार पर ही बताया पतित। जब बुद्धि जो है नीची जगह में गड्ढे में लगी रहेगी तो पतन ज्यादा होता है, या गृहस्थी लोग जो प्रैक्टिकल में गड्ढे में जाते हैं वो ज्यादा पतित होते हैं। सन्यासी त्याग तो कर देते हैं लेकिन उनकी बुद्धि कहां लगी रहती है? उसी गड्ढे में लगी रहती है। तो जब उनकी बुद्धि लगातार लगी रहेगी तो पतित सन्यासी हुए या गृहस्थी हुए। तो आत्मा के लिए पतित और पावन कहा जाता है। फिर वही पतित बुद्धि। जब आत्मा पतित बनती है तो शरीर की कर्मेंद्रियों से भी क्षरण जाती होता है। भले शादी नहीं हुई है तो भी कुमार, इस बात तुम भी तो कुमार हो जानते हो कि रोज लीकेज होता है कि नहीं होता है कुमारों का। जिनके शादीशुदा कहे जाते हैं पुरुष उनको ज्यादा लीकेज होता है या कुमारों को ज्यादा लीकेज होता है? किसको ज्यादा लीकेज होता है? कुमारों को ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि मंथन में है, मन मत है, उसका नाम ही है, उस विकार का नाम रखा है संस्कृत में मन मत है। वो क्या करता है? मन को मथता है। जब मन मथा जाएगा तो इंद्रियां ढिल्ली हो जाएंगी, छीण होती रहती है शक्ति। तो पतित हुआ या पावन हुआ? क्या हुआ? पतित हुआ। मन पतित होगा तो तन भी जरूर पतित होगा, मन पावन बनेगा तो तन भी पावन बन जाएगा। मन के ऊपर सारा मदार है। अभी तक के जो सन्यासी हुए, हठ योगी हुए, उन्होंने शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, योग के लिए योग की क्रियाएं कराना है, योग सिखाना है, तो काय के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, तन की इंद्रियों के ऊपर, तन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। कुंभक चढ़ाओ, प्राणायाम करो, ये क्रिया करो, वो क्रिया करो, आसन लगाओ, इन बातों पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन ये शरीर की कर्मेंद्रियों से कनेक्टेड हैं बातें। शरीर की दसों कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कौन है? मन। मन मुखिया है, ग्यारहवीं इंद्रिय। इसको कंट्रोल करना किसी ने नहीं सिखाया, ये सिखाने वाला एक ही शिव बाबा है। और वो मन को कंट्रोल करना सभी को सिखाता है, गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, कुमार हो चाहे अधर कुमार हो, कुमारी हो या अधर कुमारी हो, सबको सिखाने वाला एक ही कि कैसे पतित से पावन बनना है। इतना सहज रास्ता आज तक किसी ने बताया ही नहीं, लेकिन सहज है उनके लिए जो अंदर बाहर साफ दिल हैं, अंदर से एक और बाहर से दूसरा भरा हुआ है, तो बगुला भक्त को वो प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए बोला अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक निकलता है,